कोई सब दा सत्कार है। इस अंदोलन ने वो कुछ सिरज दिता है, जो इतिहास लिखा जाऊगा तो उहदे विच इस तरह का कुछ होगा। मैं राज्यपाल साहब नूं यह कह रहा सी कि जिहड़ा पिछले दिनों दे विच पार्लीमेंट सैशन भारत का तो चलिया नहीं, पर उहदे बराबर दे उत्ते जिहड़ा सैशन सीगा वह चलिया, भी जो किताब के रूप के आवे तो किसी वेले वो बच्चों के सिलेबस का पार्ट बनेगा। तुसीं देखिया होना कि पत्थरां दा शहर चंडीगढ़ है, शाम वेले जे तुसीं उधरों कितें लंघो तो किहड़ा चौंक है जिहदे विच मोटो लैके साडे बच्चे बच्चियां नहीं खड़े। ये पहली बार हो रहा कि इस तरह शहरां दे विच, और ये भी पहली बार है इन्हां नौजवानों का उद्यम कि ये किसान अंदोलन रेलवे ट्रैक तो हुंदा होया दिल्ली दिया सरहदा तक जाके यूनिवर्सिटी के एडे वे हालों के आके उत्थे इहदी डिबेट होनी शुरू हो गई। ये बहुत वड्डी प्राप्ति है। दुनिया के विच जदों कितें भी अंदोलन का जिक्र होगा तो इस अंदोलन को कभी भी अखों परोखे नहीं किया जा सकूगा। अज यह अंदोलन है जिदे करके तुसीं देखिया होना कि सेंट्रल एशिया के उत्ते कब्जा करन दे वास्ते चाइना रशिया उन्होंने अपने कौंसल खाने बंद नहीं किए। भारत ने सब तो पहला अपना कौंसल खाना बंद कर दिता। वो ऐसा फसया इन्ने दिन हो गए अजे तक कोई बयान नहीं आ रहा उहदे उत्ते, क्यों नहीं आ रहा? जिन्हां दे नाल साझ है उन्हां दे पैसे फस गए, जिन्हां दे विरोध दे विच बोलदे आ जे तालिबाना के हक च बोलते हैं उन्होंने गलगलावां पा लेना, जे उन्होंने विरोध बोलते हैं जेडे कारपोरेटा के उत्ते पैसे लग गए उन्होंने गलत गलावां पा लेना। क्योंकि यह तैयारी सारी जी सेंट्रल एशिया के बिजनेस के उत्ते कब्जा करती है। तीन खेती कानून भी वो निकले हुए हैं। कोई साढ़े एक तीन साल पहला मोगे तो फिरोजपुर में जाद्या मैं किसी ने दसिया कि इस तरह का एक गोदाम बन रहा जिदे विचों दी ट्रेन जी वो जाती है। मेरी बड़ी उत्सुकता रही डगरू पिंड पैंदा जिहड़ा वो साइलो बनिया उहदे उत्ते। उदों तो मैं रेडियो टीवी दे उत्ते जिते जिते मैं काम करदा मैं बोलना शुरू किया कि यह एक नवी चीज़ आ रही है जिहड़ी कि किसानां दे वास्ते किसी वेले मारू होगी। उदों बहुत सारे लोग सवाल करते कि उहदे विच किहड़ा ऐसा हो चलिया जे किसान की फसल तुरंत जी विक जाती है। अच्छा यही चीज जी गलत होनी है। मैं तकरीबन 17-18 साल हो गए रात को कई बार 8 बजे फोन करना राज्यपाल साहब को कि सवेरे प्रोग्राम के उत्ते जो चंडीगढ़ पहुँच सको तो उन्होंने कदी नहीं यह कहा कि नहीं मैं बिजी हाँ, कहते मैं सवेरे 6 बजे उत्थे पहुँच जूगा क्योंकि लाइव शो के 6 बजे भी पहुँच जाते हैं। अज किसी को लगे कि राज्यपाल साहब एड्डा उच्चा करता तो कितने हो गया। ये वो लोग ने जिन्होंने इन्ने सालों को दसना शुरू किया कि अजिहा कुछ आ रहे हैं, वो बोलते रहे लगातार ता इतों तक गया। अज के इस प्रोग्राम के मैं महसूस कर रहा हाँ कि साडे विचों संवाद मनफी हो गया, कितों वड्डियां मुश्किलां आ गईं। जदों पुत धीआं जों मापिआं दे सामे बह के निठ के बह के सुन तां इस गल दी तसल्ली हो जांदी आ कि जिहड़ा बूटा इह लोक ला रहे आ तुसीं कल नूं उहनूं सिंज भी लओगे, उहनूं पाल भी लओगे, उहनूं आवारा डंगरां तों भी बचा लओगे। चौथी पंजवीं दे विच इक कहाणी आउंदी सी कि कोई बजुर्ग बूटा ला रहा सी, राजे ने उहदे कोले घोड़ा खड़ा करके ये कहा कि यह की कर रहा, कहिंदा अंब का बूटा ला रहा, कहिंदा कदों तक फल लगूगा, कहिंदा 8-9 साल लग जाएंगे। राजे का अगला सवाल सी तू उदों तक जिउंदा रहेगा, वह कहिंदा जिहड़े मैं फल खा रहा वह मैं थोड़ी लाए आ, यह अगली पीढ़ी की ला रहा। जिहड़ा बूटा यह ला रहे हैं उहदे फल साडे जिहड़ा बच्चे बच्चियां ने खाने ने, बशर्ते तुहानूं सुचेत रहना होगा उस बूटे प्रति। इन्होंने अपनी जिम्मेवारी वह बूटा लाने की पूरी कर दी, उन्हें सिंजना तुसी है, उसकी राखी तुसी करनी है, फिर वह थानू फल देगा।
कोई प्लॉट खरीदया जाता अपने ये कल्चर का एक पार्ट है बच्चों के वास्ते तैयार किया जाता है थोड़ी जी सेविंग होवे नीहां भर लिया जांदियां ने ਇਹ ਨੀਹਾਂ ਭਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਰੋਜ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ जिते अज यह अंदोलन चले गया मैं ता करके चंडीगढ़ के चौंकों का जिक्र किया यूनिवर्सिटी के इस हाल का जिक्र किया जेडे लोग कहते हैं ये मुट्ठी भर लोग ने यह किसान ही नहीं मुड़े कई जेडे खेतों च काम करते वह किसान है एजुकेशन करने वाले किसान ही नहीं होंगे की कुछ इन्हों कहा गया एक चीज जी इन सारे जेडे आगू ने वो सीखने वाली है वह इन्हों की पेशेंस है इतना कुछ बोलिया गया फिर जे समूथ तरीके दे नाल जित्थों तक यह एजुकेशन लैके आए आ वो बहुत वड्डी गल है जो अज तुसी देख रहे हो इत्थे कटड़ा दिल्ली हाईवे बन रहा जामनगर अमृतसर हाईवे बन रहा वो क्यों बन रहे ने ये साइलो इन्ने साल पहला बनने क्यों शुरू हो गए ते बहुत इंटैलीजेंट दिमाग बैठे ने जो थानू दस भी गए कि असल दे विच के कब्जा किस चीज के उत्ते हो रहा अफगानिस्तान वाली जी समस्या वो नवी इहदा एक पार्ट है कि चाइना का अपना जोर लग्या कि वह पहला सड़क उहदे विचों दी बना लवे ताकि सेंट्रल एशिया के उत्ते वह कब्जा कर सके इत्थे समस्या यह आ गई कि इत्थे सब कुछ ही भुल गए कारपोरेटर नूं देता साडी विदेश नीति भुल गई तुसीं गूगल सर्च ना करना 30 सैकंड च एक बार सोचना कि 14 तो लैके 19 वाली सरकार दे विच विदेश मंत्री कौन सी जां अज 19 तो बाद वाली सरकार दे विच अज विदेश मंत्री कौन है बिना सर्च तो थानू याद नहीं होगा जे तुसी इस लाइन दे नाल टीचर प्रोफेसर हो फिर और गल थानू पता होगा नहीं तो आम बंदे नू पता ही नहीं सब कुछ खत्म कर दिता गया विदेश नीति कोई रही नहीं एक छोटा जहा छोटे छोटे जड़े मुल्क ने नेपाल वर्गे वह भी दबके मार लगे एक गलत पॉलिसीज ने जड़िया शुरू हो गई मैं वह जिक्र ता किया मैं लगातार पढ़ता रहा एक छोटी छोटी चीज जिन्ने दिन यह किसान संसद चली है केड़ा सबजैक्ट सी इस वेले केड़ी दुख की रग सी जिदे उत्ते उस किसान संसद दे विच हाथ नहीं रख्या गया जां वह नबज नहीं पड़ी गई अज एडी वड्डी आस दे नाल इन्हां किसान जथेबंदियां दे वल पूरे मुल्क दे ओ लोग वेख रहे आ जिन्हां दी जिंदगी एडी औखी हो गई करोना काल दे विच उंज कित्थों तक महंगाई चलेगी साडे कॉलेज टाइम दे उत्ते 3 पैसे 4 पैसे कितें बसां दे किराए वध जांदे ते पूरा पंजाब सड़कां ते आ जांदा सी अज रोज़ पेट्रोल डीजल दे रेट वध रहे आ हर बंदा यह देख रहा कि किसान इस मामले के उत्ते बोलण हैरानी इस गल की है कि जिन्हां लोकां ने इस चीज नूं अगे पहुंचाउणा सी ओह उहनां दे हथ फुक के बन गए मैं टकैत साहब की एक इंटरव्यू देख रहा सी इंटरव्यू करता बीपी जिहड़ी सी ओह कागज फरोड़ रही कहिंदी मैनूं दिखाओ इहदे विच कित्थे लिखिआ जमीनां ते कब्जा हो जूगा मैनूं इह दिखाओ कि मंडियां खत्म हो जाणगीआं मैनूं इह दिखाओ कि MSP खत्म हो जूगी ओह क्योंकि वह चीज़ वो प्रमोट कर रहे हैं ये नहीं दस रहे कि वही चीज़ तो किसान लभ गए जी वे लिखी हुई नहीं सी वो समझ पै गए वह जवाब कोई नहीं है ये जो संवाद इन्हों नौजवानों ने शुरू किया घट्टो घट अजिहियां स्टेजा जेकर इस संवाद के वास्ते शुरू हो गई ने तो मैं फिर कहूँगा कि इस गल की तसली है कि तुसीं साडी जिहड़ी अगली जनरेशन आ साडे पुत्त धीआं ओह इहनूं अगे लैके जाओगे इस सुनेहे नूं इत्थों तक नहीं रहण दिओगे तुहाडे हत्थां दे विच अज इक ओह पावर हैगी आ जिहड़ी सोशल मीडिया दी आ उहदे उत्ते निज लिखण दी थां दे उत्ते कुछ ओह चीज़ां करो जो अज पंजाब दे विच पंजाब दे पिंडां दे विच इस किसान मोर्चे दी वजह करके
शुरू हो गए वो सवाल, उन्हां सवालां दी तुसीं एक चीज महसूस करनी, वो पिंडां दीआं गलियां नालियां तों निकल के चुराया तों निकल के पंजाब पद्धर दे सवाल ने, मुल्क पद्धर दे सवाल ने, वो लोग सवाल करन लगे। ये जुरत जिहड़ी है उहनूं गाला कढ़न की जगह दे उत्ते, माड़ा लिखण की जगह दे उत्ते उन्हां दी तारीफ जरूर कर देना तां कि वो सवाल जिहड़े ने हुंदे रहिण। तुसीं देखणा आने वाले दो महीनों के तीन महीनों के महसूस करोगे कि पंजाब एक्चुअली सवाल वाले पद्धर के इतना ज्यादा सुचेत किवें हो गया। उहदा कारण इको आ कि नौजवान वर्ग जिहड़ा पहला मोटरसाइकिल के पिछे लिख के इन्नी गेड़ी दिंदा हुंदा सी, गोरे खंघे सी तां ही टंगे सी, उह हुण झंडे ते मोटर लै के जिहड़ा चौंक दे विच खड़ा वाद रचाउण लग जाणा, इह इस अंदोलन की जिहड़ी ओहो प्राप्ति है। तो हरे घर जाता है विच समुंदर जाके कतरा मर जाता है, गर्दन सीधी रखने का मुल तार रहे हैं, बेशर्मा का नीवी पा के सर जाता है। धन्यवाद।